फ्रेंड्स क्या करेंगे, हमें हमेशा एक तरह क्या करेंगे, हमको पिक्स आर्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वहाँ प्लस वाला आइकन मिल जाएगा फ्रेंड्स, उस पर जाना है और वहाँ पे एक बैकग्राउंड को ले लेना है, हमको ब्लैक वाला बैकग्राउंड होगा फ्रेंड्स। उसको लेने के बाद क्या करना है, उसको कस्टमाइज कर लेना है। कस्टमाइज करने के बाद क्या करना है, एड फोटो पे जाना है फ्रेंड्स, और एड फोटो पे जाने के बाद जिस भी फोटो के एडिट करना है उसको एड कर लेना है, और एड करने के बाद कट का ऑप्शन दिख रहा होगा फ्रेंड, उस पर जाना है और अपने जो फोटो है उसको बैकग्राउंड से इस प्रकार से रिमूव कर लेना है फ्रेंड्स। और इस प्रकार से जहाँ भी पर भी आपका जो बॉडी फेस इस जो भी रेड इफेक्ट नहीं होगा उसको आप क्या करना है, फिल कर लेना है। फिल करने के बाद क्या करना है, देन गाइज आप लोगों को फोटो को पहले आपको देख लेना है पूरे फोटो को, जो भी एरिया है वहाँ पे उसका जो ब्लैंक न बचा हो, और उसको क्या करना है पूरी तरह से फिल करके आपको सेव कर लेना है फ्रेंड। और सेव करने के बाद कुछ इस तरह से आपको क्या करना है, फोटो को जूम कर लेना है और अपने बैकग्राउंड में सेव कर लेना है। सेव करने के बाद क्या करना है फ्रेंड, आपको इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा टूल्स में, तो इफेक्ट पे जाना है और ब्लर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ब्लर पे जाने के बाद उसका सेटिंग आपको 18 रख लेना है, और 18 रखने के बाद क्या करना है, उसको अप्लाई कर देना है फ्रेंड्स और उसको सेव कर देना है। इसके बाद क्या करना है, फिर से आपको एड फोटो पे जाना है, और एड फोटो पे जाने के बाद जिस भी फोटो को आप एडिट कर रहे थे फिर से उसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, फिर से वही कट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ पे हमको पर्सन कर देंगे। उसका होगा पर्सन करने के बाद क्या करेंगे, बॉडी पे जहाँ पर भी आपका जो रेड इफेक्ट जो फोटो पे से रिम नहीं होगा वहाँ पे क्या करना है, आपको उसको फिल कर देना है। और फिल करने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरह से फोटो को जूम करके देख लेना है कहाँ पर भी और किस जगह किस एरिया पे आप जो है वहाँ पे कलर नहीं, उसको फिल करने के बाद क्या करना है, उसको सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद कुछ इस तरह से जूम करके और इस तरह से आपको फ़ोटो को सेव कर लेना है। पहले अपने आप पिक के अकॉर्डिंग उसको जूम कर सकते हैं और अपने पिक के अकॉर्डिंग आप इसको एडिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो एडिट करने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इस पिक को सेव कर लेंगे और देख लेंगे जो बैकग्राउंड का। तो फ्रेंड्स क्या करना है, इस तरह से जूम कर लेना है आपको फोटो को, और फोटो को क्या करना है, उसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद एड फोटो पे जाएंगे, और एड फोटो पे जाने के बाद एक पीएनजी को ले लेना है फ्रेंड्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसको इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस पीएनजी को लेना है, और इस पीएनजी को कुछ इस प्रकार से आप लोगों को जूम करके उसको पीक के थोड़ा सा नीचे ले जाना है, और इसको इस तरह से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर जाएंगे ऐड फोटो पे, और वहाँ से एक पीएनजी होगा और कलर इफेक्ट वाला पीएनजी होगा, उसको क्या करेंगे, उसको भी कुछ इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है उसको पहले ले लेना है जूम, उसको उस पीएनजी को ले लेना है, और इसको इस तरह से जूम करके उसको क्या करेंगे, बाइंड पे जाएंगे और उसको लाइटन कर देंगे फ्रेंड्स, और इसको लाइटन कर देंगे। और लाइटन करने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स उसको लाइटन करने के बाद इसको जूम कर लेंगे। इस तरह से आप लोगों को जूम कर लेना है अपने पी के अकॉर्डिंग आप लोग जूम कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लोगों को जूम कर लेना है, और जूम करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इरेजर टूल का ऑप्शन दिख रहा होगा फ्रेंड्स, उस पर जाएंगे और उसको जो भी फेस पे इस कलर का इफेक्ट होगा उसको क्या करेंगे, वहाँ से रिमूव कर देंगे फ्रेंड्स। और कुछ इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद क्या करेंगे, आपको ब्राइटनेस पे जाएंगे और ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे फ्रेंड्स, 31 रख लेंगे अपने पिक के अकॉर्डिंग। और 31 रखने के बाद क्या करेंगे, इरेजर के टूल पे जाएंगे और वहाँ से क्या करेंगे, इसको इस तरह से आप लोगों को इरेज कर लेना है पूरे जो फोटो पे से क्या करना है, उसको आपको इसको रिमूव कर देना है, और रिमूव कर देना है फ्रेंड्स। और रिमूव करने के बाद क्या करेंगे, रिकवर टूल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर जाएंगे और उसको क्या करेंगे, अपने फेस को पे ओनली आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको ओनली फेस पे चलाना है, केवल फेस पे चलाना है, जिससे क्या हो जाएगा, आपको जो फेस होता है फुल्ली आपको वाइट हो जाएगा। इस ट्रिक को आपको अपनाना है, और अपने फोटो को भी इस प्रकार से आपको क्या करना है गाइस, आप लोगों को भी वाइट कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है, जिस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। तो फाइनली गाइस आप लोगों को भी इस प्रकार से क्या करना है, अपने फेस को वाइट कर लेना है। वाइट करने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हम लोगों को अगेन उस टूल पे जाना है, और उस टूल पे जाना है क्रॉप टूल पे, वहाँ पे जाने के बाद एडजस्ट पे जाएंगे
और कुछ जो है ना इफेक्ट को हमको एडजस्ट करना है, जिसमें क्लियरिटी को करना है एडजस्ट और ब्राइटनेस को कुछ इस तरह से आप लोगों को एडजस्ट कर लेना है। और इतना करने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या करना है, फ़ोटो को सेव कर लेना है अपने गैलरी में। और उसके और इस फोटो को क्या करेंगे, इस तरह से फ़ोटो बनने के बाद अपने फ़ोटो गैलरी में सेव कर लेंगे।